सुपौल में त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई। यहां से पुलिस ने 9 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। बता दें कि श्रम प्रवर्तन मंत्री बिहार सरकार के निर्देश अनुसार 26 जनवरी तक त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाना है, जिस उद्देश्य से अनुमंडलीय बाल श्रम निगरानी के सदस्यों ने बाजार क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 9 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। वहीं छापामारी में शामिल SDM विनय कुमार सिंह ने बताया कि बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनके अभिभावकों को शपथ पत्र देने के बाद सुपुत्र किया गया है। श्रम विभाग के पदाधिकारी लोग आए थे और उनके साथ में एक अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति पहले से ही गठित है, तो जो दुकान प्रतिष्ठान या हजार्ड कंडीशन में काम करने वाले 14 साल से छोटे बच्चे और 18 साल से नीचे किशोर जो है उनको चिन्हित करके दुकान से ले जाया गया और उसके बाद उनको अभिभावक को एक शपथ पत्र बनाकर जो है और उसके जो नियोजक है उसके बाद सुपुर्द किया गया है। इसके साथ ही उनको वार्निंग दी गई है कि ये जो है चाइल्ड लेबर का ऐसा केसेस अगर पाया जाता है तो अगर जो उसके कानूनी प्रावधान है उसके तहत। वहीं छापेमारी के बाद प्रतिष्ठानों और दुकानों के मालिकों को चेतावनी दी गई है, जिसमें SDM ने चेतावनी दी है कि दोबारा इस तरह की बाल मजदूरी कराते हुए पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी TV के लिए सुपौल से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुफस्सिल थाना के थानावासियों और पूरे जिला के वासियों को मेरे तरफ से शुभकामना है।